शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य स्मारक का उद्घाटन करने राजधानी भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी में महज 3 घंटे रहेंगे। पीएमओ से मिनट टू मिनट कार्यक्रम की रूपरेखा राजधानी पुलिस के पास पहुंच गई है। पीएम के लिए अभेद सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे विमानतल पर पहुंचेंगे। 4:30 बजे लाल परेड मैदान पहुंचेंगे, जहां आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार्य विद्यासागर महाराज से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। 6 बजे शौर्य स्मारक का लोकार्पण किया जाएगा। 6:30 बजे स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे और शाम 7 बजे वापस दिल्ली जाएंगे। कोई चूक ना हो इसके लिए एयरपोर्ट जैसी सख्त माने जाने वाली चेकिंग होगी। इसके लिए CISF की 172 जवानों की कंपनी को आउटर इलाके के साथ लाल परेड मैदान, शौर्य स्मारक और मुनिश्री के कार्यक्रम स्थल पर चेकिंग के लिए लगाया गया है। पीएम के आने से पहले ही राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विमानतल से लेकर लाल परेड मैदान तक पुलिस तैनात है। अफसरों ने कहा कि क्षेत्र संवेदनशील है, ATS के साथ IB और इंटेलिजेंस सहित तमाम खुफिया एजेंसी कार्यक्रम स्थल पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।